बॉलीवुड दिस वीक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड दिस वीक में हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हफ्ते भर की खबरों के साथ बॉलीवुड दिस वीक। 20 दिसंबर को रिलीज हुई आमिर खान की बहुचर्चित धूम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है और इसी के साथ चेन्नई एक्सप्रेस और क्रिश 3 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। धूम 3 की इस सुपर सक्सेस का पूरा क्रेडिट दर्शकों ने आमिर खान को दिया, क्योंकि आमिर खान की वजह से ही धूम 3 को इतना ज्यादा हाइप मिला है। साथ ही कैटरीना कैफ की वजह से भी धूम फिल्म को लोगों द्वारा इतना पसंद किया गया है। हालांकि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भी है, लेकिन धूम 3 की इस सफलता का पूरा श्रेय आमिर खान और कैटरीना कैफ को ही चला गया। धूम 3 ने पहले ही दिन जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस और क्रिश 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शाहरुख से लेकर सलमान खान तक आमिर के आगे कोई भी नहीं टिका। और अब रिलीज के 15 दिन बाद ही धूम 3 ने इंडियन और ओवरसीज दोनों बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है और ये फिल्म अपने आप में ही एक रिकॉर्ड साबित हुई है। MS एंटरटेनमेंट की ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की हॉट अदाकारा बिपाशा बासु ने हाल ही में अपना जन्मदिन अपने घर पर ही मनाया। कौन कौन हुआ उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल, आइए देखते हैं। 7 जनवरी को बिपाशा ने अपने जन्मदिन की पार्टी अपने घर पर ही मनाई। बिपाशा ने अपने बर्थडे की पार्टी में बहुत ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। पार्टी में बिपाशा के पूरे परिवार के साथ राज कुंद्रा, केन घोष, दीपालिका शर्मा, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और आर माधवन शामिल थे। बिपाशा की ये पार्टी काफी प्राइवेट रही और उन्होंने इसे मीडिया से दूर ही रखा। पार्टी के गेस्ट ने बिपाशा के घर के सामने ही तस्वीरें खिंचवाई थी। चलिए बिपाशा, आपने तो हमें अपने बर्थडे पर इन्वाइट नहीं किया, लेकिन आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल ईयर अहेड। बॉलीवुड दिस वीक में अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, बॉलीवुड के इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बॉलीवुड दिस वीक। प्रियंका चोपड़ा के हाथ आ गई है फिल्म फेयर की कमान। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा इस बार 59 फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करने वाली है और उनका साथ देंगे एक्टर रणबीर कपूर। तो चलिए देखते हैं प्रियंका कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म फेयर को लेकर। इमरान खान, रणबीर कपूर और शाहरुख खान, सैफ अली खान की होस्टिंग के बाद अब आपको दिखाई देंगे प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर 59 फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करते हुए। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका अपनी इस पहली फिल्म फेयर होस्टिंग के लिए काफी नर्वस है और जब पूछा गया उनसे इस होस्टिंग के प्रेशर के बारे में, तो देखिए क्या जवाब दिया पिगी चॉप्स ने। लड़कियों में से बहुत कम लड़कियों ने होस्ट किया है, but yes, there is a huge pressure because Filmfare is as an event, it's always been entertaining, it's always been funny, and there's been a standard set by a lot of people, including Ranbir himself. Whether it is Shahrukh, Saif, Ranbir, and Ran, whether so many people who have hosted the show, they've always set the standard. So yeah, it's scary, it is exciting, but agar kuch mushkil na kiya to kya kiya? अजय, कोई बात नहीं प्रियंका, हमें पता है कि फिल्म फेयर के पिछले होस्ट की तरह आप भी लोगों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। वैसे प्रियंका इससे पहले अक्सर फिल्म फेयर को दो मेल्स की जोड़ी ने होस्ट किया है, पर अगर आपको मौका मिले किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ होस्टिंग करने का, तो आप किसे चुनेंगी? I think मैं विद्या के साथ होस्ट करना चाहूंगी। I think she is really spontaneous, she is a lot of fun, वो बहुत मस्ती मजाक करती है। I think she would be a really cool co-host. विद्या के साथ इनकी होस्टिंग तो देखने लायक होगी। वैसे आपको बता दें कि इन दिनों पिगी चॉप्स दीपिका पादुकोण के काफी करीब आ रही है और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दीपिका के गुण गाती रही प्रियंका। वैसे विविश, आपकी ये फीमेल बॉन्डिंग ऐसी ही बनी रहे और आपके विद्या बालन के साथ होस्टिंग की इच्छा भी जल्द ही पूरी हो।
बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने के बाद एक्टर सोनू सूद तैयार है हॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने के लिए। जी हाँ, सोनू सूद अपनी आवाज देने वाले हैं एक हॉलीवुड की मूवी में। चलिए आपको भी दिखाते हैं सोनू का ये नया पड़ाव। बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने के बाद अब हॉलीवुड फिल्मों में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है एक्टर सोनू सूद। लेकिन बॉलीवुड में भी ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने हॉलीवुड में डबिंग की है। हमने सुना था कि पहले ये ऑफर अक्षय कुमार को दिया गया था जो कि आपने रिप्लेस किया है। हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म में सोनू ने दी अपनी आवाज। आज पूनम की पहली रात है और वो जानती भी नहीं कि मैं सोनू हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ेंगे। सो सोनू, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई बहुत अच्छा। मैंने हमेशा बोला कि एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है जब आप इतनी बड़ी फिल्म को डब करते हैं, बट लाइक यू सेड एज एन एक्टर मैंने कोशिश की है, आई ट्राई टू गिव 100% और बहुत मजा आया डब करते हुए। पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कॉल आया कि सोनू तुम्हें डब करना है, तो कैसा लगा? बहुत कमाल, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड, एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था और आई फेल्ट कि यू नो बड़े स्टूडियोज हैं जिन्होंने इस बात पर गौर किया कि यू नो सोनू इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाते हैं। हॉलीवुड में एक्टिंग का मौका मिल रहा है तो किस तरह सोनू करेंगे, क्या क्या प्लान है उस बारे में? देखिए प्लान कुछ नहीं, एक घंटी बजती है आपके फ़ोन के और सब कुछ बदल जाता है। उस घंटी का इंतज़ार हमेशा रहेगा, जब भी बजेगी आई थिंक हम हाजिर हो जाएंगे। तो देखा आपने सोनू कितने खुश है अपने हॉलीवुड की डबिंग को लेकर, उम्मीद करेंगे आपको भी बहुत मजा आया। कैमरामैन किशोर दा के साथ साधना पांडे, MS एंटरटेनमेंट। तुम्हारी ताकत दिखाओ ईश्वर पुत्र, हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ेंगे। बॉलीवुड दिस वीक में अब वक्त हो चला है यहीं रुकने का। उम्मीद है कि आपको ये आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार खबरों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।